जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात यह है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली। ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल सिनेमाज ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोल सेन वेंकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहां पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फ़िल्म को नहीं देखे है तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी ही था फिल्म के अंदर नागा सोरिया जो है वो सोरिया शो के रोल में है युत की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा रैडी के रोल में है और गोपाजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूं तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फिल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से शहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर चतावेने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यह फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई एम की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोरिया जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर सहजाराडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर चतावेने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपड़ हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहे तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है भाई कि अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेडी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोल सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने नहीं था फिल्म के अंदर नागा सूर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा रैडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर खास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और YouTube पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सेटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी न्योलसन वेंकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव सौर्या एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़की की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारनीय है उनकी संबंध अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या सो के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजहाडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मैन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवाद अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चरुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा रडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव सौर्या एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहाँ उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या शोर्या इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंग के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवाद अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और YouTube पर ये मूवी कब आएंगी ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी नियोल सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है काफ़ी शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी ने ही और इस करंट टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चरुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजहाडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव सौर्या एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहाँ उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से शहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवान अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि औरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगे। जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यह फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी और आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोलसन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी ही था फिल्म के अंदर नागा सूर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फिल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर चतावेने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यह फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फ़िल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोरिया जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपाराजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फिल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीजा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संबंध अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सेटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोल सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोरिया जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा रैडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फिल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फिल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंग के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर चतावेने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी न्योलसन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़की की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संबंध अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सौर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है कि अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और YouTube पर ये मूवी कब आएंगी ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी न्योलसन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहां पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चरुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सोर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संबंध अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सौर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूटूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर ये मूवी कब आएंगी ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी न्योलसें वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजहाडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव सौर्या एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहाँ उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से शहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंग के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवाद अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सौर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है काफ़ी तो शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहां पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इस करंट टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चरुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजहाडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव सौर्या एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से शहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवान अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगे। जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और YouTube पर ये मूवी कब आएंगी ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया, युतिका थरेजा, निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी नियोल सेन प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फ़िल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहां पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सूर्या जो है वो सूर्या शो के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा रैडी के रोल में है और गोप राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूं तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीजा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल के जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवान अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि औरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगे। जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यह फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी और आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोल सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फ़िल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फिल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फिल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर चतावेने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यह फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोल सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोरिया जो है वो सूर्या सोखे रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजहाडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर चतावेने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपड़ हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहे तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेडी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी नियोल सेन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सेटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोरिया जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा रैडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर खास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सौर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी सवान अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और YouTube पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सेटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रहमा जी न्योलसन वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम सैटी नहीं था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजा के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फिल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़की की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारनीय है उनकी संबंध अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि औरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई के की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या सो के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर सहजाराडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से सहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवाद अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मजेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक तो आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और यूट्यूब पर यह मूवी कब आएंगी ये, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाम ने और फिल्म की लीड कास्ट में हमें नागा सोरिया युतिका थरेजा निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी न्योलसें वैनकटा प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फिल्म के अंदर किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहाँ पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमाज़ ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चरुकुरी ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सोर्या जो है वो सूर्या के रोल में है युद्ध की जो यहाँ पर है डॉक्टर सहजाराडी के रोल में है और गोपा राजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फिल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूँ तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव सौर्या एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहाँ उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से शहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या शोर्या इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंग के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवाद अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगी जिस मूवी का वेट दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे फाइनली अब ये मूवी हिंदी में आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि आप इस मूवी को फ्री में ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है और YouTube पर ये मूवी कब आएंगी ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ वैसे दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी डबिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि एस के एस आर्ट्स ने कराई है इस फिल्म की बात करें तो इसका नाम है रंगबली ये मूवी 2023 की है और इसे तेलुगु भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था और ये फिल्म रोमांस एक्शन और कॉमेडी के ऊपर आधारित है और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है पवन बसम सैटी ने अगर इनकी बात करें तो बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म रही है इसे प्रोड्यूस किया था एस एल वी सिनेमाज ने और फिल्म की कास्ट में हमें नागा सोरिया, युतिका थरेजा, निया शर्मा सत्या जानी मास्टर साइन टॉम चक्सो कल्याणी एंड राजकुमार कसी रेड्डी आर शरद कुमार मुरली शर्मा ब्रह्मा जी नियोल सेन प्रभु प्रसाद ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं और सभी ने लाजवाब काम फ़िल्म के अंदर किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी आप फ्री में ही देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहे तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं इसे हाल ही में जियो सिनेमा के ऊपर एकदम फ्री में रिलीज़ कराया गया है लगभग ये मूवी कल रात को ही जियो सिनेमा पे आई है तो आप इस शानदार फिल्म को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं जहां पर ये बेहद ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है और हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो अभी तक आप इस फिल्म को नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है साथ ही में इस फिल्म की दोस्तों स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से इसकी डबिंग हुई हो भी बहुत ही अच्छी है और आई की बात करें तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है बाकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एस एल वी सिनेमामाज ने ही और इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और चौदह मिनट के आसपास का है और इसको प्रोड्यूस किया था सुधाकर चारू ने और इसको लिखा भी पवन बसम ने ही था फिल्म के अंदर नागा सूर्या जो है वो सूर्या शो के रोल में है युत की जो यहाँ पर है डॉक्टर शाहजहाडी के रोल में है और गोपराजू यहाँ पर विश्वम यानी कि सूर्या के पिता के रोल में हमें देखने को मिलते हैं अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी किरदार है इनके नाम भी लगभग ऐसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देते हैं रियल लाइफ के अंदर ही खैर बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या आपको फ़िल्म के अंदर ख़ास देखने को मिलेगा क्या मूवी के अंदर अच्छा है क्या बुरा है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं वैसे तो मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ ये मूवी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी ये आपको निराश दोस्तों नहीं कराएंगी इसके अलावा मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम फिल्म के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सिंपल वे के अंदर बता सकूं तो आप जो है वो आसानी से इसकी कहानी जो है वो समझ सकें फ़िल्म के अंदर यानी कि नागव स एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है जो कि अपने गुनगर राजावरम में मतलब राजावरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है हालांकि उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए वीज़ा भेज देते हैं जहां उसे सहजा यानी कि युक्ति थरेजा नाम के एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है दुर्भाग्य से शहजा के पिता मुरली शर्मा यानी कि राजा वरम में रंगबली के अंदर से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं समस्या यहाँ पर क्या है और क्या सोरिया इसे हल करने में कामयाब होता है और परशुराम यानी कि साइन टॉम चाको चाको जो है रंगबली के अंदर से जुड़ी समस्याओं को कैसे जुड़ता है फिल्म का जो मेन पॉइंट है यही सवाल का जवाब देता है युवा अभिनेता जो नागा सूर्या है इन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर साबित कर दिया है कि उनके लिए आम लड़के की जो भूमिका निभाना वो आसान है और अपने गुनगर से गहराई से जुड़े एक व्यक्ति और एक उद्देश्य के लिए उनकी जो प्रभावशाली व्यक्ति का चुनौती देने वाला व्यक्ति है उनका चित्रण सहारणीय है उनकी संवान अदायगी खासकर जतावने वाले दृश्यों के दौरान काफ़ी बेहतर हुई है और सौर्य ने यहाँ पर कॉमेडी दृश्यों में भी काफ़ी कमाल किया है कॉमेडियन सत्या ने यहाँ पर अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है जिससे दर्शक उनके हाव भाव और मज़ेदार सवानों से हंसते हंसते लूटपट हो जाते हैं इन्होंने फिल्म का पहला भाग सहजता से निभाया है और गोपा राजू रमन की भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावी है नागा सूर्या के साथ उनकी बातचीत देखने लायक है और ये फिल्म भी दोस्तों वैसे बहुत ही अच्छी बनाई गई है काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आप साउथ की कोई हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को दोस्तों देख सकते हैं ये आपको निराश नहीं करेंगी आपको ये पसंद आएंगी फ़िलहाल तो ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अनऑफिशियल उपलब्ध है लेकिन वो डबिंग ऑफिशियल नहीं है वो अनऑफिशियल डबिंग के थ्रू जो अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो वो फिर आपकी खुद की चॉइस है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल डबिंग के अंदर ही देखें वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है क्योंकि औरिजिनल डबिंग के अंदर देखने में जो मज़ा आता है वो अनऑफिशियल में नहीं आता है बाकी अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि आपको पसंद आएगा फिल्म दोस्तों अच्छी है स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म की और बहुत कुछ हमें यहाँ पर फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए उम्मीद करता हुई आपको निराश नहीं होने देंगे